नमस्ते गाइस, राजेश शर्मा नमस्ते टेक। और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ Mi 11X और Mi 11X Pro के कैमरा फीचर्स का एक डिटेल्ड ओवरव्यू, और साथ ही साथ आपको कुछ कैमरा सैंपल्स भी दिखाऊंगा Mi 11X के। यहाँ पे मेरे पास Mi 11X है, लेकिन जो कैमरा फीचर्स हैं सिमिलरली आपको Mi 11X Pro में भी मिलने वाले हैं। एंड आप Mi 11X को पर्टिकुलरली डिसमिस मत कर दीजिएगा इसकी कैमरा सेटअप को देख के, क्योंकि भले ही इसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन इसकी कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही सॉलिड है। एंड इसके कैमरा एप्लीकेशन में भी आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे मोड्स मिल रहे हैं, जिससे आप बहुत इंटरेस्टिंग टाइप के फोटोज और वीडियोस ले सकते हैं। पर इसके पहले कि मैं आपको Mi 11X सीरीज के कैमरा फीचर्स का एक डिटेल्ड ओवरव्यू दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और अगर आपको स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ नीचे बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। Mi 11X में आपको कैमरा मिल रहा है, ये कहीं से ही नया नहीं है। बाकी MI फोन्स, Redmi फोन्स, यहाँ तक कि Poco फोन्स में भी सेम ही इंटरफेस है, पर यहाँ पे मोड्स आपको बहुत सारे नए मिल रहे हैं। मोड्स के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले तो आप इंटरफेस देख लो। नीचे सारे मोड्स हैं एक्सेस कर सकते हो जो आप, और ऊपर सम ऑफ द कॉमनली यूज जो कैमरा के फंक्शंस है ना, वो सब है। तो ऊपर क्या क्या ऑप्शन है पहले उनका एक डिटेल दे देता हूँ आपको। फर्स्ट जो बटन है, इससे आप फ्लैश कंट्रोल कर सकते हो, ऑटोमेटिक ऑन, परमानेंट ऑन टॉर्च की तरह। इसके बाद आपके पास HDR को टॉगल करने का ऑप्शन है, डेफिनेटली इसे ऑटो मोड में रखिएगा, बेस्ट डायनामिक रेंज तभी आएंगे। फिर आपका AI मोड है, जिसमें कि फ़ोन जो है मशीन लर्निंग और AI यूज करता है सीन डिटेक्ट करने के लिए, जिसकी आप फोटो क्लिक कर रहे हो, और फिर कलर्स, कॉन्ट्रास्ट उसे अकॉर्डिंगली बूस्ट कर देता है। मुझे AI मोड के फोटोज कोई खास पसंद नहीं आते, कलर कॉन्ट्रास्ट कुछ ज़्यादा ही बूस्ट हो जाते हैं, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ऑफ रखो। इस बटन से आप फिल्टर्स और जो ब्यूटी मोड है ना, उसे एक्सेस कर सकते हो। साइबरपंक, ब्लैक आइस, क्लासिक, बहुत सारे फिल्टर्स हैं Mi 11X में, आप डेफिनेटली सबको एक बार यूज करके देखिएगा, क्योंकि कुछ कुछ फिल्टर्स जो है ना बहुत ही सॉलिड है। फिर जो ब्यूटीफाई मोड है, इससे आप जो ब्यूटी फिल्टर है ना, उसे कस्टमाइज कर सकते हो। बहुत ही डिटेल्ड में कस्टमाइजेशन ऑप्शन है यहाँ पे, आप खुद देख सकते हो, बॉडी, लेग्स, हेड, एक एक एस्पेक्ट जो है ब्यूटी फिल्टर का, उसे आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो। एंड इनकेस आपको ब्यूटी फिल्टर पसंद ही नहीं है ना, तो ये स्लाइडर को एकदम जीरो कर दो, तो ब्यूटी फिल्टर जो है वो ऑफ हो जाएगा। फिर इस बटन से आप गूगल लेंस का जो इंटीग्रेशन है, उसे ट्रिगर कर सकते हो। बेसिकली आप गूगल लेंस को यूज कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्च करने के लिए, उसके बारे में और डिटेल जानने के लिए गूगल द्वारा। इस बटन से आप कैमरा के कुछ और जो कॉमनली यूज सेटिंग्स है, उसे एक्सेस कर पाओगे। फर्स्ट आप देख सकते हो एस्पेक्ट रेशियो आप चेंज कर सकते हो, 3:4 डिफॉल्ट है, आप 9:16 और 1:1 कर सकते हो। टाइमर है, 3, 5, 10 सेकंड के ऑप्शंस हैं। फिर कैमरा एप्लीकेशन के आप सेटिंग्स में जा सकते हो, इसके बारे में मैं आपको वीडियो में एंड में बताऊंगा। मूवी फ्रेम मोड है, जिससे कि आप सिनेमैटिक एस्पेक्ट रेशियो में फोटोज और यहाँ तक कि वीडियोज जो है क्लिक कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। फिर ग्रिड लाइंस का ऑप्शन है, जिससे कि आप देख सकते हो ग्रिड लाइन आ जाता है व्यू फाइंडर में, इनकेस आपको अपना कॉम्पोजिशन जो है वो ग्रिड लाइन के अकॉर्डिंग कंपोज करना है। फिर मैक्रो मोड से जो मैक्रो कैमरा आपको मिलता है, टेली मैक्रो कैमरा एक्चुअली Mi 11X में, उसे आप एक्टिवेट कर सकते हो। फिर टिल शिफ्ट मोड भी है आपका, जिससे कि आप टिल शिफ्ट टाइप फोटोज ले सकते हो। एंड टाइम्ड बर्स मोड, डेफिनेटली मुझे ये मोड बहुत पसंद है, वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड यूजफुल मोड्स है मी कैमरा ऐप में, जिसमें कि आप सेट कर सकते हो कि फोन जो है कितने बर्स्ट फोटोज ले आफ्टर एवरी से 1 सेकंड, 2 सेकंड या 5 सेकंड के इंटरवल। अगर आपको पता है इस मोड को कैसे यूज करना है, तो आप इससे एक्चुअली बहुत अच्छे तरह के फोटोज ले सकते हो। फ्रंट कैमरा के फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पे कुछ कुछ ही ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, जैसे कि फ्लैश आप कंट्रोल कर सकते हो, ऑटोमेटिक या ऑन रख सकते हो। फिर HDR को आप टॉगल कर सकते हो, डिफॉल्ट ये डिसेबल्ड रहता है, इसे ऑटोमेटिक कर देना बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। फिर AI मोड आप इनेबल कर सकते हो। एंड सेटिंग्स में और देखोगे तो आपके पास ऑप्शन है मूवी फ्रेम का, ग्रिड लाइंस का, टाइम बर्स्ट मोड भी है, एंड पाम शटर मोड है। इससे आप इनेबल कर दोगे ना, तो आपको जब सेल्फी लेना हो बस ऐसे अपना पाम दिखा देना कैमरा के सामने, 3 सेकंड का टाइमर आएगा और फोन जो है एक सेल्फी ले लेगा। ग्रुप सेल्फीज वेल्फीज लेने के लिए ना ये एक्चुअली यूजफुल है। फिर सेल्फी मोड में भी जो ब्यूटी फिल्टर है, उसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। अगेन और भी और ज्यादा ऑप्शंस हैं यहाँ, तो चिन, लिप्स, हेयरलाइन, मेकअप कुछ नहीं छोड़ा है भाई, बॉडी के हर एक एस्पेक्ट को आप चेंज कर सकते हो। आप जितने गंदे लगो, ये ब्यूटी फिल्टर को कस्टमाइज करके आप अपनी सुंदरता बढ़ा लोगे। फिर फिल्टर्स भी मिल रहा है आपको सेल्फी कैमरा के लिए, लेकिन उतने फिल्टर्स नहीं है जितना रियर कैमरा के लिए मिल रहा है।
अच्छा प्राइमरी कैमरा में आप देखोगे ना तो बाय डिफॉल्ट 1x का ऑप्शन है, लेकिन आप अप टू 10x जूम कर सकते हो। डिजिटल जूम है मी 11x में, एंड अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है तो आप उस पर भी स्विच कर सकते हो। अब ये तो कोई सारे कैमरा फीचर्स की बात, अब जो डिफरेंट कैमरा मोड्स है ना उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि मी 11x में एक्चुअली आपको बहुत सारे कैमरा मोड्स मिल रहे हैं। पोर्ट्रेट मोड है जिससे कि आप पोर्ट्रेट फोटोज ले सकते हो, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ पे आपके पास AI मोड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप सेटिंग्स में देखोगे तो मूवी फ्रेम मोड भी इनेबल कर सकते हो ताकि आप सिनेमैटिक एस्पेक्ट रेशियो में पोर्ट्रेट फोटोज ले सको, एंड यहाँ भी आपके पास टाइमर का सेटिंग मिलता है। फिर नीचे अगर आप देखोगे ये जो 3 बटन्स हैं, तो ये जो बटन है इससे आप डिफरेंट टाइप के पोर्ट्रेट इफेक्ट्स लगा सकते हो अपने फोटोज में। रिजल्ट्स डिपेंडिंग ऑन क्या सीन है शायद इम्प्रेसिव हो। फिर इस बटन से आप जो पोर्ट्रेट फोटो की जो ब्लर की इंटेंसिटी है ना, बैकग्राउंड ब्लर की, उसे कंट्रोल कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप राइट की तरफ स्लाइडर लेके जाओगे पोर्ट्रेट फोटो की ब्लर उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी, एंड जितना आप इसे लेफ्ट की ओर लेके जाओगे जो ब्लर इफेक्ट है उतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। एंड इस बटन से जो ब्यूटी मोड है उसकी इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास इंडिविजुअली ब्यूटी फिल्टर की एक एक एस्पेक्ट को कस्टमाइज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, एंड कुछ फिल्टर्स भी हैं जिसे आप यूज कर सकते हो अपने पोर्ट्रेट फोटोज में। फ्रंट कैमरा के लिए भी आपको पोर्ट्रेट मोड का सपोर्ट मिलता है, यहाँ भी सिमिलर ऑप्शंस हैं। ब्यूटी मोड को आप कस्टमाइज कर सकते हो, फिल्टर्स है, फिर जो ब्लर की इंटेंसिटी आप उसे एडजस्ट कर सकते हो, इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट्रेट इफेक्ट्स, AI मोड एंड फ्लैश का ऑप्शन है। दैट्स अबाउट इट। पोर्ट्रेट के बाद मोर में चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है नाइट मोड, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, नाइट मोड में फोटोज लेने के लिए है। एंड अच्छी बात ये है कि प्राइमरी कैमरा में भी ये आपको अप टू 2x डिजिटल जूम के सपोर्ट के साथ मिलता है, एंड अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी आपका नाइट मोड यहाँ पे सपोर्ट करता है। नाइट मोड में भी आप चाहो तो मूवी फ्रेम यानी कि जो सिनेमैटिक एस्पेक्ट रेशियो है ना उसमें फोटोज ले सकते हो, एंड ग्रिड लाइन इनेबल कर सकते हो। यहाँ आपको टाइमर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, टॉर्च आप ऑन नहीं कर सकते हो, किसी तरह के फिल्टर्स का इफेक्ट नहीं मिल रहा है। फ्रंट कैमरा के लिए भी नाइट मोड का सपोर्ट है, एंड यहाँ पे ब्यूटी फिल्टर जो है ना उसकी इंटेंसिटी को आप कम ज्यादा कर सकते हो, दैट्स इट। एंड फॉर सम रीजन फ्रंट कैमरा में नाइट मोड में आप फ्लैश यूज कर सकते हो, ऑटोमेटिक और ऑन का ऑप्शन है यहाँ पे। फिर 48 मेगापिक्सल का मोड आ जाता है जिससे कि आप 48 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन में फोटोज ले सकते हो। ऑब्वियसली मी 11x का जो प्राइमरी रियर कैमरा है वही 48 मेगापिक्सल का है, तो ये मोड सिर्फ उसी के लिए है। 48 मेगापिक्सल मोड में आपको AI मोड का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फिल्टर्स हैं बट दैट्स अबाउट इट, और कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर शॉर्ट वीडियो मोड है जिससे कि आप शॉर्ट वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, प्राइमरीली से इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक के लिए। यहाँ पे आपके पास प्राइमरी कैमरा के साथ साथ अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का भी सपोर्ट है, एंड इस मोड में भी आपको ब्यूटी फिल्टर साथ ही साथ रेगुलर जो फिल्टर्स हैं उनका भी सपोर्ट मिल रहा है। एंड यहाँ पे आपको क्लाइडोस्कोप का भी एक्सेस मिल रहा है जिससे कि आप थोड़े फंकी टाइप के ना शॉर्ट वीडियोस बना सकते हो। शॉर्ट वीडियोस में आप फ्लैश भी यूज कर सकते हो, एंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है म्यूजिक भी ऐड करने का, दो आप अपना खुद का म्यूजिक नहीं ऐड कर सकते, कुछ थोड़े बहुत ऑप्शंस हैं Xiaomi द्वारा, आप वही यूज करके अपने शॉर्ट वीडियोस में ऐड कर सकते हो। ये जो बटन है ये यूजफुल है क्योंकि इससे आप अपनी जो भी शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो ना उसकी स्पीड को सेट कर सकते हो। जब आप रिकॉर्ड करोगे तब आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन सपोज यहाँ पे मैं अगर फास्ट मोड में एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो वो जो प्लेबैक होगा ना वो एकदम फास्ट मोड में होगा। तो उसी तरह आप चाहो तो एक रेगुलर वीडियो को रिकॉर्ड कर लो जिसे आप बाद में सुपर स्लो मोशन में प्लेबैक कर सकते हो। शॉर्ट वीडियो का सपोर्ट आपको फ्रंट कैमरा के लिए भी मिल रहा है, यहाँ भी सिमिलर ऑप्शंस हैं। आप वीडियो को रेगुलर फास्ट, सुपर फास्ट, स्लो और सुपर स्लो मोड में प्लेबैक कर सकते हो, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर सकते हो, एंड यहाँ भी आपको ब्यूटी फिल्टर, रेगुलर फिल्टर्स और क्लाइडोस्कोप का सपोर्ट मिलता है। शॉर्ट वीडियो के बाद है पैनोरामा मोड, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पैनोरामिक फोटोज लेने के लिए। ये आपको सिर्फ प्राइमरी 48 मेगापिक्सल का कैमरा और फ्रंट का जो कैमरा है ना उसके लिए मिल रहा है सपोर्ट, और किसी कैमरा के लिए सपोर्ट यहाँ नहीं है। पैनोरामा के बाद है डॉक्यूमेंट्स मोड जिससे बेसिकली आप डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हो। यहाँ ओरिजिनल, ब्लैक एंड व्हाइट और एनहांस, 3 ऑप्शंस हैं ताकि जो फाइनल आउटपुट है ना उसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सको। व्लॉग मोड जो है ये Xiaomi के पहले भी फोन्स में था, Redmi Note 10 Pro, Pro Max में ही है, Mi 10i में था, लेकिन यहाँ पे कुछ नए आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, नए थीम्स मिल रहे हैं। इसे बेसिकली आप मॉन्टाज टाइप वीडियोस बना सकते हो, बहुत ही कम मेहनत करना होगा क्योंकि व्लॉग मोड जो है ना उसमें डिफरेंट थीम से आप कोई भी एक थीम सेलेक्ट करो, एंड वो थीम ऑटोमेटिकली फिर आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि इसके अकॉर्डिंग आप छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड करें, फिर वो अपने आप इसे प्रोसेस कर देगा। ये भी आपके पास ऑप्शन है कि जब आप कोई व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हो
तो जैसे यहाँ पे अगर मैं रिकॉर्डिंग करूंगा तो आप देखोगे ना नीचे ये बार है कि ये जो सारे व्लॉग के क्लिप्स हैं मैं अभी ही रिकॉर्ड कर लूँ, एक दो मैं अभी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, फिर बाद में मैं इसे सेव कर सकता हूँ ड्राफ्ट में एक्सेस करने के लिए, फिर से 2 घंटे बाद मुझे कुछ दूसरा क्लिप ऐड करना है तो मैं यहाँ रिज्यूम करके रिकॉर्ड कर सकता हूँ। फिर स्लो मोशन मोड आता है जिससे कि आप स्लो मोशन वीडियोस ले सकते हो। Mi 11X में आपको स्नैपड्रैगन 870 पावरफुल चिपसेट मिल रहा है, तो आप फुल HD रेजोल्यूशन में 240 FPS ही नहीं बल्कि 960 FPS तक की सुपर स्लोमो वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। पर यह ध्यान रखना कि सुपर स्लो मोशन वीडियोस की जो कैप्चर है वो सिर्फ लास्ट क्वार्टर में होने वाली है, एंड सुपर स्लो मोशन वीडियोस में किसी भी तरह का बैकग्राउंड ऑडियो भी रिकॉर्ड नहीं होता है, एंड आपको उतने ज़्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शंस नहीं मिलते। आप वीडियो का जो स्लोड डाउन पार्ट है ना वो लास्ट का ही क्वार्टर होने वाला है, उसे आप चेंज करके वीडियो के स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। वैसे भी सुपर स्लो मोशन वीडियोज आप मैक्सिमम 0.4 सेकेंड्स का ही रिकॉर्ड कर सकते हो Mi 11X में, जो कि एक्सपैंड होकर अराउंड 10-12 सेकेंड्स का हो जाता है सुपर स्लो मोशन प्लेबैक में। ये सारे लिमिटेशंस लेकिन आपका रेगुलर 120 FPS या 240 FPS के स्लो मोशन वीडियोस में नहीं है। फ्रंट कैमरा के लिए भी आपको स्लो मोशन का सपोर्ट मिलता है, बट यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, एंड सिर्फ रेगुलर स्लो मोशन का सपोर्ट है, सुपर स्लो मोशन का सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। टाइम लैप्स मोड जो है जिससे कि आप टाइम लैप्स वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, ये आपको फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा तीनों के लिए ही मिल रहा है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि जो टाइम लैप्स की स्पीड होगी उसे आप अप टू 1800x तक ले जा सकते हो, जो ड्यूरेशन होगी उसे कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, फिर फ्लैश आप चाहो तो यूज कर सकते हो टाइम लैप्स में, मीटरिंग का ऑप्शन है कि आपको कैसे चाहिए, फिल्टर्स भी आप लगा सकते हो, एंड फॉर सम रीजन आप चाहो तो सिनेमैटिक एस्पेक्ट रेशियो में भी टाइम लैप्स वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, तो मुझे इसका सेंस थोड़ा कम ही लगता है। एंड इम्प्रेसिव ये है कि जो टेली मैक्रो कैमरा है ना वो भी टाइम लैप्स मोड सपोर्ट करता है, तो अगर आप फोन को किसी ट्राइपॉड पे लगा के इस टेली मैक्रो कैमरा का एक्चुअली काफी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो टाइम लैप्स वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए। रेगुलर कैमरा जो है वो आपका 4K 30 FPS तक की टाइम लैप्स रेजोल्यूशन वीडियो सपोर्ट करता है, फ्रंट कैमरा में 4K का सपोर्ट नहीं है टाइम लैप्स में, फुल HD 30 FPS का ही है। आपके पास ये भी ऑप्शन है टाइम लैप्स मोड में ना कि आप जो वाइड बैलेंस है, फोकस है, शटर स्पीड है, ये सबको मैनुअली कंट्रोल कर लो, तो काफी डिटेल्ड एंड पावरफुल टाइम लैप्स मोड है ये। ये आपका ड्यूल वीडियो मोड सैंपल है, Mi 11X से शूट किया गया है, इसमें आप एक ही साथ फ्रंट और रियर कैमरा से वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन अच्छा है, बस ये लिमिटेशन है यहाँ पे कि आप सिर्फ प्राइमरी 48 मेगापिक्सल का जो रियर कैमरा ना उसी से वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं यूज कर सकते हो वीडियोस रिकॉर्ड करते टाइम इस मोड में। एंड आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप जो वीडियो की फीड है ना फ्रंट कैमरा या रियर कैमरा उसे बड़ा छोटा कर सकते हो अपने हिसाब से, किसी एक को आप बड़ा कर लो, किसी एक को आप छोटा कर लो, विंडो मोड में चला लो, ये सब है। इम्प्लीमेंटेशन अगेन वेरी नाइस, बहुत लोगों को किसी जो लोग व्लॉग करते हैं उन्हें ये डेफिनेटली यूजफुल लग सकता है। मूवी इफेक्ट्स जो है ये एक नया मोड है जो आपको Mi 11X में मिल रहा है, इसमें डिफरेंट टाइप के आपके पास ऑप्शंस हैं, मैजिक जूम, स्लो शटर, टाइम फ्रीज, एंड डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा थीम सेलेक्ट करते हो आप उस अकॉर्डिंग क्लिप्स रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे मैजिक जूम में आप देख सकते हो कि कैसा एक जूम का इफेक्ट है, फिर स्लो शटर में एक अलग इफेक्ट है, नाइट टाइम लैप्स का भी ऑप्शन है जिससे कि आप इवनिंग अगर कहीं अच्छी जगह पे फोन को ट्राइपॉड पे लगा दो तो एक अच्छा सा टाइम लैप्स वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। टाइम फ्रीज का ऑप्शन है जिसमें एक पार्ट स्टिल रह जाएगा वीडियो का, दूसरा पार्ट रहेगा मूविंग। यूज करना अगर आप जानोगे ना तो मूवी इफेक्ट्स एक्चुअली काफी सॉलिड है मूवी इफेक्ट्स जो है, लेकिन ये सिर्फ आपका रियर कैमरा ही सपोर्ट करता है। मूवी इफेक्ट्स के बाद है आपका AI वाटरमार्क मोड, जिसमें कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ वाटरमार्क जो है ना वो डाल सकते हो अपने फोटो में, से हॉलीडे पे हो तो एक हॉलीडे इफेक्ट, हॉलीडे स्टिकर आप डाल दो, या कोई डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, जो आपका मन है ये आप डाल सकते हो, बेसिकली एक तरह का वाटरमार्क है फोटोज में और कुछ नहीं। लॉन्ग एक्सपोजर मोड भी है जिससे कि आप लॉन्ग एक्सपोजर फोटोज ले सकते हो अपने Mi 11X से, मूविंग क्राउड, नियॉन ट्रेल्स, लाइट पेंटिंग, स्टारी स्काई, स्टार ट्रेल्स, ऑब्वियसली इन सब के लिए क्योंकि ये लॉन्ग एक्सपोजर मोड है तो आपको फोन को एक ट्राइपॉड पे रखना होगा, बेस्ट रिजल्ट्स तभी आने वाले हैं। लेकिन अगर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो आप इन मोड्स का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। क्लोन मोड भी है यहाँ पे Mi 11X सीरीज में, नया नहीं है, Redmi Note 10 Pro सीरीज और बाकी Mi
Redmi फ़ोन्स में भी अवेलेबल है। इससे बेसिकली आप अपने आप को क्लोन कर सकते हो डिफरेंट वेज में, चार पांच मोड्स हैं, आप वीडियो बना सकते हो क्लोन का या फोटोज ले सकते हो क्लोन मोड में, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये तो हो गए सारे एडिशनल कैमरा मोड्स, अब बचे आपके दो मोड्स और, वीडियो और प्रो। तो वीडियो मोड में आप वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हो अल्ट्रा वाइड प्राइमरी कैमरा से कर सकते हो, अप टू मैक्सिमम यहाँ पे आपको 6x का डिजिटल जूम मिल रहा है फोटोज में, जबकि आपको 10x डिजिटल जूम का सपोर्ट मिलता है। फुल HD 30 FPS का वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है AI कैमरा का, जिससे कि अगेन थोड़े जो कलर्स वलर्स है वो वीडियो के बूस्ट हो जाएंगे, एंड ट्रैक मूविंग ऑब्जेक्ट का। ये ट्रैक मूविंग ऑब्जेक्ट तब काम में आएगा अगर आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, वहां पे अगर आप अपने सब्जेक्ट पे एक बार डबल टैप कर दोगे ना, तो फोन जो है ऑटोमेटिकली उसे ट्रैक करेगा जब वो मूव कर रहा हो। मैक्रो कैमरा से भी आप वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन अप टू फुल HD 30 FPS रेजोल्यूशन में। यहाँ ऑडियो जूम का भी ऑप्शन है वीडियो मोड में, एंड ये ऑप्शन एक्चुअली बाय डिफॉल्ट ना इनेबल होना चाहिए। ये एक ऑडियो जूम फीचर का डेमो है। अब जैसे जैसे मेरे पे जूम किया जाएगा, आप देखोगे कि मेरी वॉइस पे जो फोकस है ना वो बढ़ता जाएगा, और अगर जैसे यहाँ से मैं साइड से आवाज करूंगा तो ये सारे आवाज जो है ना उस पे उतना ज्यादा एम्फेसिस नहीं रहेगा जितने मेरी वॉइस पे रहेगा। एंड जैसे जैसे जूम आउट किया जाएगा वापस से, तो फिर से आप देखोगे कि मेरी वॉइस पे जो फोकस है उस थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा, एम्बियंट से अगर कोई नॉइज आ रही है या कुछ भी साउंड आ रहा है तो उस पे ज्यादा एम्फेसिस किया जाएगा। वीडियो मोड में भी आपके पास ब्यूटी फिल्टर की इंटेंसिटी को कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, एंड जी हाँ, आप मी 11X में ना बोके वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो। ऑप्शन टक्ड इन है इस फिल्टर वाले बटन के अंदर, लेकिन ऑप्शन जरूर है, एंड आप बोके मोड की जो इंटेंसिटी है ब्लर की उसे भी अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो। तो ये मी 11X में बोके वीडियो मोड का सैंपल है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो बैकग्राउंड है वो ब्लर्ड है। ये मोड आपको फ्रंट कैमरा के लिए भी मिलता है। यहाँ पे आप ब्लर की इंटेंसिटी भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ तभी अवेलेबल है जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करते हो। वीडियो रिकॉर्डिंग एक बार स्टार्ट कर दोगे तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। रियर कैमरा में आपको जूम का भी सपोर्ट मिल रहा है, अप टू 3-4x तक आप बोके वीडियो मोड में जूम कर सकते हो, एंड अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी ये मोड सपोर्ट करते हैं। दो आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम जो है स्विच नहीं कर सकते हो कैमरास के बीच में। सैंपल फुल HD 30 FPS फुटेज शॉट ऑन द मी 11X, इसमें आपको AI सपोर्ट मिल रहा है। सैम्पल 4K 30 FPS फुटेज शॉट ऑन द मी 11X, कैमरा प्रीव्यू देख के तो लग रहा है कि इसमें आपको EIS का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि फुटेज स्टेबलाइज लग रही है। फ्रंट कैमरा में वीडियो मोड में आपको उतने ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ब्यूटी फिल्टर आप कंट्रोल कर सकते हो, एंड आप फ्रंट कैमरा से बोके वीडियोज भी रिकॉर्ड कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको थोड़े बहुत और फिल्टर्स मिल रहे हैं, एंड दैट्स अबाउट इट, और कुछ नहीं है। मूवी फ्रेम है, फ्रंटल साउंड है, दैट्स इट। एंड डिसअपॉइंटिंग ये है कि आप फ्रंट कैमरा से सिर्फ फुल HD 60 FPS रेजोल्यूशन में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, 4K का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। रही बात फ्रंटल साउंड की, तो अगेन ये आपका ऑडियो जूम फीचर की तरह ही है। इसमें बस ये है ना कि जो कैमरा के सामने से आवाज आ रही है वीडियोज में, फोन उसी पर ज्यादा फोकस करेगा। मूवी फ्रेम भी है, तो आप सिनेमैटिक एस्पेक्ट रेशियो में सेल्फी वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो। ये ध्यान रखना कि जब आप बोके वीडियोस रिकॉर्ड करोगे तो वीडियो की रेजोल्यूशन कम होकर 720p 30 FPS पे लिमिट हो जाती है। वीडियो रिकॉर्डिंग में आपके पास मूवी फ्रेम का भी ऑप्शन है, ताकि आप सिनेमैटिक एस्पेक्ट रेशियो में वीडियोस रिकॉर्ड कर सको। लास्ट में फिर आपका है प्रो मोड, जिससे कि आपको बेसिकली कैमरा के हर एक एस्पेक्ट पे कंट्रोल मिलता है, फोकस, शटर स्पीड, ISO। फिर आप यही नहीं, आप डिफरेंट लेंसेज, अल्ट्रा वाइड, मैक्रो लेंस सब यूज कर सकते हो इस मोड में, जो कि बहुत इंप्रेसिव है। फिर अगर आप कैमरा सेटिंग्स में देखोगे तो आपके पास ऑप्शन है फोकस पीकिंग का, एक्सपोजर का, एंड यहां तक कि रॉ में फोटोज कैप्चर करने का। प्रो मोड जो है आपका सिर्फ फोटोज ही नहीं बल्कि वीडियोस भी लेना सपोर्ट करता है, तो आप वीडियोस में भी शटर स्पीड, ISO सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। शटर स्पीड जो ऐसे आप मैक्सिमम 30 सेकेंड्स तक ले जा सकते हो, एंड जो ISO हो इसे आप मैक्सिमम 6400 तक ले जा सकते हो प्राइमरी कैमरा के लिए। तो ये तो हो गए सारे कैमरा मोड्स और कैमरा फीचर्स की बात। कैमरा एप्लीकेशन के कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। वाटरमार्क आप चाहो तो इनेबल कर सकते हो, तो अपने फोटोज में डिवाइस वाटरमार्क शॉट ऑन मी 11X या टाइम स्टैम्प ऐड कर सकते हो, एंड आपके पास कस्टम वाटरमार्क का भी ऑप्शन है, तो आप चाहो तो अपना नाम डाल सकते हो कि हर एक फोटो में आपका नाम आ जाए। तो ये याद रखना कि कस्टम वाटरमार्क में 14 कैरेक्टर्स का लिमिट है। स्मार्ट सजेशंस और लाइव टिप्स हैं, ताकि जो कैमरा एप्लीकेशन है वो आपको थोड़े टिप्स दे दे कि आप बेटर फोटोज ले सको, डिपेंडिंग ऑन जो सीन है उसे देख के।
करेक्ट डिस्टॉर्शन इन अल्ट्रा वाइड शॉट्स एंड करेक्ट फेस डिस्टॉर्शन ऑन ग्रुप फोटोज, इस दोनों ऑप्शन को इनेबल करके रखिएगा ताकि जो डिस्टॉर्शंस होते हैं वो ना रहे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा या सेल्फी कैमरा से। फिर आपके पास ऑप्शन है कि फोटोज को आप HEIF फॉर्मेट में सेव करें ना कि JPEG में। HEIF फॉर्मेट में क्या है कि फोटोज कम स्पेस लेंगे। आजकल हर एक नया फोन जो है ना ये HEIF फॉर्मेट में फोटो सेव करने का ऑप्शन रखता है। फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप सेट कर सकते हो कि कैमरा पहले फोकस करे जब आप स्क्रीन पर टैप करें, उसके बाद ही जब आप वापस टैप करें तब ये फोटो को शूट करे। शटर साउंड म्यूट करने का ऑप्शन है एंड फोटोज को जियो टैग करने का ऑप्शन है, इसे तो डेफिनेटली इनेबल कर लेना अगर आप ट्रैवल ज्यादा करते हो। फिर कस्टमाइज कर सकते हो आप बेसिकली कैमरा आपके हर एक चीज को, फीचर लेआउट कैसे चाहिए, सारे कैमरा मोड्स कौन कौन सा आपको बाय डिफॉल्ट कैमरा शटर बटन के नीचे चाहिए उसे सेट कर सकते हो, प्लेसमेंट एडजस्ट कर सकते हो, कैमरा मोड्स जो है वो कैसे दिखें, एक अलग से मोर पैनल हो कि एक मोर टैब हो, फिर जो कलर्स है आप उसे चेंज कर सकते हो पूरे यूआई का, साउंड जो है उसे चेंज करके रेट्रो कर सकते हो, फिल्म कर सकते हो, मॉडर्न कर सकते हो। तो बेसिकली कैमरा एप्लीकेशन के भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस यहां पे आपको मिल रहे हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप इससे आपको Mi 11X और Mi 11X Pro दोनों के लिए जो भी कैमरा फीचर्स हैं उनका एक डिटेल्ड आइडिया मिल गया होगा, Mi 11X की कैमरा परफॉर्मेंस का एक आइडिया लग गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।